पैर में चोट आई है, क्या हुआ था सर? सर मैं दुकान पे सामान लेने गया था, तो वहाँ अचानक ही 7-8 बंदे आए, रोड चाकू था उनके पास और उनकी ले गई थी। मैंने उन्हें जैसे उठाया तो उन्होंने पैर में चोट मार दी, जिसमें से 2-3 का नाम मैं जानता हूँ। एक का नाम सलमान था और एक का नाम अज्जू था, और उन्हीं के बीच बचाव में मेरे पैर में एकदम तुरंत ही बल्ली मार दी, रोड मार दी, मारते ही मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। कितने लोग थे वो? कम से कम 5-6 जने थे। किसने उन्हें बुलाया था? उन्हें वो पास के आंटी हैं, उन्हीं के लड़कों ने बुलाया था। अच्छा, तो आप उनमें से किसी को नहीं जानते? नहीं जी। अच्छा, तो कोई पुलिस कंप्लेन वगैरह की आपने? हाँ भैया ने की थी। क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? कुछ भी नहीं मिला। पुलिस भी नहीं आई अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं? क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं सर। कार्रवाई चाहते हैं। तो पैर में फ्रैक्चर आया? हाँ जी। किन किन हथियारों के साथ आए थे वो? सर रॉड थी उनके पास, चाकू था, बल्ली थी, बांस बांस भी थे और एंगल थे। तो मतलब फुल हथियारों से लैस आए थे? हाँ जी। तो क्या मारने की नीयत से आए थे? अब जी हाँ, ऐसा ही मान लो मारने की नीयत से ही आए थे। देखो शुरुआत में जो झगड़ा हुआ था, जब तो अंदर हम खाना खा रहे थे, हमको नहीं पता है कि झगड़ा किस चीज़ पे हुआ, कैसे हुआ, मगर बाद में हमें मेटल पता लगा कि दुकान के पैसन के ऊपर में लड़ा झगड़ा हुआ है। हमने बीच बिचाया कर दिया। उस द्वार पे पुलिस भी आई थी, वो भी इनको तसल्ली दे के चली गई कि भाई झगड़ा मत करना, 10 बजे सब चौकी में आ जाना, फैसला वहाँ कर देंगे। उसके बाद ये लोग सबरे हमारी चौतरी पे बैठ गए थे, मेरे घर वाले यहाँ आए, मैं आई, बच्चे मेरे खाना खा के सो गए। उस द्वारे में 2-3 गाड़ी आई थी और डंडा और सरिया रोड ले लेके आके उन्हें नहीं तो पूछी किसी से ना कुछ भी, और वो बरसाते चले गए, जो दिखा उसी में लगाते चले गए। मेरे भी काफी चोट आई बीच बिचाने में, कान में भी चोट है, इसमें भी चोट है। अच्छा उसके टाइम पे जी सब कॉलोनी वाले खाना खा के ड्यूटी वाले आदमी है वो अपने अपने घर में घुस गए। अपने घर में घुसने के बाद में इन्हें पीछे से हमला किया है, सामने हमला नहीं किया है, पीछे। हम दोनों कह रहे ठीक है हमला तुमने किया, इन तुम दोनों ने में झगड़ा था, बाहर का बंदा क्यों बुलाया? अच्छा किसने बुलाया था उसे? तो उन लोगों को उन्होंने पलंग वाले ने बुलाए थे। अच्छा कितने लड़के आए थे? अब ये तो मैं अंदाज में नहीं बता सकती कि मैं हाँ, तो भाई देखो मैं देख नहीं पाई भीड़ भक्का में, क्योंकि मेरे घर वाले की भी शरीर ऐसा ही है, तो होपलेस हो गए थे। कुछ इनके लड़के को बचाने के चक्कर में, कुछ अपने घर वाले के चक्कर में। जिस लड़के का पैर टूटा है उससे झगड़ा था या वो बीच बिचार में टूटा? उसका बीच बिचार में टूटा, उसका कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा तो इन लोगों से था उसका। जैसे हम बीच बिचाव कर रहे हैं ऐसे ही वो कर रहा था, उसका कोई मेडल नहीं था। होगा तो मैं नहीं बता सकती।